परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, इस टॉपिक में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आंसर तो एक स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन इसमें ओरली होते हैं, सारे एक्सप्लेनेशन इसमें ओरली होते हैं। तो तुम जब मैं बताऊंगा ओरली कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, तो उस वक्त तुम क्लास नोट्स में खुद को समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज में वहां पे उसका सॉल्यूशन लिख लिया करना। किसी को हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखना है उसमें लिखो, बस तुम लोगों को वो समझ में आ जाए, ताकि फिर तुम अगर रिवाइज करने के लिए आओगे उस टॉपिक को बाद में, तो तुम्हें कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से सोचा गया है वो इजीली समझ में आ जाए। वरना वो आंसर एक लाइन का होता है तो फिर उससे पता ही नहीं चल पाता है कि ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो वहां पे प्रॉपर हर एक का एक्सप्लेनेशन लिखते जाओ कि ये इस वजह से आया, ये इस वजह से आया, इस तरीके से। ठीक है, अभी जस्ट शुरू किया यज्ञेश, ठीक बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को कैसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसमें थोड़े से अलग तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी तक क्या होता था, हर एक चीज का हमें सॉल्यूशन दिखता कि ये स्टेप, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यहाँ पे आंसर बस एक लाइन, उसमें मतलब बहुत सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन आता है, तो वो मल्टीप्लीकेशन में वो अलग अलग टर्म किस वजह से आई उसका रीजन तुम्हें प्रॉपर रीजन वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक, वो अगर नहीं लिखोगे तो बाद में दिक्कत आएगी तुम लोगों को, तो अभी से उसको लिखना, मतलब इसी अभी लिख लो इसको, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एंड इसमें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटली मतलब एक तरीके से काउंटिंग चलती है। काउंटिंग भी क्या, जैसे बड़ी बड़ी जो काउंटिंग होती है उसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक है। ठीक है, काउंटिंग को इजी वैसे कैसे किया जाए उसके लिए ये टॉपिक है, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें बहुत मतलब ज्यादातर कंसेप्ट, जितने ज्यादा कंसेप्ट नहीं है जितने हमने ट्रिग्नोमेट्री और में और वो देखे हैं, बायनोमियल जितना ही कंसेप्ट है इसमें, बायनोमियल में जितने कंसेप्ट है ना सेम उतने ही कंसेप्ट, लगभग उतने ही कंसेप्ट है। ठीक, लेकिन इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा यूज है, क्योंकि ओरली एक्सप्लेन करते वक्त तो इंग्लिश ही चाहिए होगी, बाकी आंसर एक लाइन में आएगा, तो तुम्हें वहां पे अपने अपने को समझ में आ जाए इस वे से उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले काउंटिंग को इजी वैसे कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल लिख लो तुम, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड ब्रैकेट में लिख लेना या तो एंड, मतलब जहां पे भी लैंग्वेज में एंड यूज हो रहा है तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एंड रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और एंड रूल। तो लिखो इसमें, इफ वर्क सी इज, वर्क ए इज कंप्लीटेड, वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय, वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय एम नंबर ऑफ वेज, बाय एम नंबर ऑफ वेज, वर्क बी इज कंप्लीटेड बाय एन नंबर ऑफ वेज, बाय एन नंबर ऑफ वेज एंड वर्क सी इज कंप्लीटेड, एंड वर्क सी इज कंप्लीटेड व्हेन
वर्क सी इज कंप्लीटेड व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीटेड. वर्क सी इज कंप्लीटेड व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीटेड, तो वहां पे जो एंड है ना उसको अंडरलाइन कर लो. व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीटेड मतलब ए भी कंप्लीट होना चाहिए एंड बी भी कंप्लीट होना चाहिए. वर्क सी इज कंप्लीटेड व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीटेड देन 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 नंबर ऑफ वेज देन नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट वर्क सी the number of ways to complete work C are number of ways to complete work C are m into n. सर आप जो फॉर्म में लिख रहे हैं उस फॉर्म में लिखे या फिर अबे तुम लिखो like... मैं तो ये बस यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लैंग्वेज में लिखो. ये क्या समझेगा वर्क है एम नंबर ऑफ वेज क्या? तो वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय एम नंबर ऑफ वेज, वर्क बी इज कंप्लीटेड बाय एन नंबर ऑफ वेज, एंड इफ वर्क सी इज कंप्लीटेड व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीटेड देन वर्क सी इज कंप्लीटेड बाय एम इनटू एन नंबर ऑफ वेज. तो इतना ही हुआ है दर्शना, बस ये मल्टीप्लीकेशन रूल चल रहा है. हो गया. चलो ठीक है, सभी लोगों का हो गया ना? यस सर. यस यस. ठीक, तो नेक्स्ट है अब एडिशन रूल. एडिशन रूल या यहाँ पे आएगा और रूल. उसमें सेम है, बस वहां पे एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा. एंड की जगह पे और आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा. तो लिखो, तो लिखना है सर वो. हाँ लिखो ना, वो पूरा लिखे क्या वापिस? लिखो क्या हो गया. वर्क ए इज कंप्लीटेड सर, फिर एम प्लस एन. हाँ एम प्लस एन. वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय एन एम नंबर ऑफ वेज. वर्क बी इज कंप्लीटेड बाय सर फिर से लिखना है सब. हाँ फिर से लिखो ना बे, मैं क्या है किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्या? N number of ways and work C is completed when A or B is completed. When A or B is completed, तो यहाँ पे और को underline कर लेना. When A or B is completed, then work C is completed by M plus N number of ways. M plus N number of ways. तो ये है एडिशन रूल या और रूल. वर्क ए एम नंबर ऑफ वेज से कंप्लीट हो रहा है, वर्क बी एन नंबर ऑफ वेज से कंप्लीट हो रहा है, एंड वर्क सी कब कंप्लीट हो रहा है? या तो ए हो जाए या बी हो जाए. ठीक है, तो वर्क सी कितने तरीके से कंप्लीट होगा? एम प्लस एन तरीके से कंप्लीट होगा. तो यहां पे देख लो, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है. इस स्टेशन से यहां तक मतलब ये स्टेशन वन है एंड ये स्टेशन टू है. तो स्टेशन ए टू स्टेशन मतलब स्टेशन एस वन टू स्टेशन एस टू जाने के लिए ये एक रास्ता है जिसका नाम ए है.
ठीक है, तो अगर हमें ए रास्ते से जाना है तो स्टेशन S1 to S2 कितने तरीके से हम जा सकते हैं, एक तरीके से। फिर स्टेशन S1 to S2 दूसरा रास्ता भी हमारे पास, बी रास्ता, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वर्क बी, मतलब स्टेशन S1 to स्टेशन S2 हमें जाना है इस रास्ते से, ठीक है। तो इसमें वर्क बी इज कंप्लीट, वर्क ए कितने वे से कंप्लीट होगा बताओ, S1 to S2 जाना है इसी रास्ते से, तो वर्क ए कंप्लीट होगा एक तरीके से, वर्क बी कंप्लीट होगा एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हमें स्टेशन S1 to S2 पहुंचना है, तो नंबर ऑफ वेज बताओ कितने हैं। दो, इनफाइनाइट टू अबे इनफाइनाइट टू थोड़ी, दो ही तो मैंने ड्रॉ किया, इनफाइनाइट अपने मर्जी से बनाओगे क्या वहां पे, अच्छा सर समझा दो ही ना। तो उसमें या तो वो ए वाले रास्ते से जा सकता, मतलब इस रास्ते से, या इस रास्ते से जा सकता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, और आ रहा है आइदर बाय दिस वे और बाय दिस वे। तो जहां पे और आएगा वहां पे इन दोनों की क्या कर देनी है, एडिशन, एंड जहां पे एडिशन एंड आएगा वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर है दोनों रूल? तो सर इसमें एंड हाँ, इस वाले ही में, इस वाले में एंड थोड़ी आएगा, एंड इसमें दूसरे एंड वाला क्वेश्चन में भी आएगा, वो बता दो बताऊंगा ना ना मैं, एंड दूसरे में इस आता है, एग्जांपल। इसमें थोड़ी ना एंड आएगा, इसमें तो और ना, S1 to S2 जाना है तो आइदर वो ऊपर वाले रास्ते से जाता है या नीचे वाले से, तो और आता, तो इसमें एंड कहाँ से लगा सकते, तो सिंपली यहाँ पे एडिशन हो जाती। अब तुम क्वेश्चन लिखो जिसमें एंड और दोनों लगेंगे। तो यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है, तो ए टू बी आने के 3 तरीके, एंड बी टू सी जाने के 4 तरीके, ठीक है, बी टू सी जाने के 4 तरीके। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी वाया बी। तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो उसको ए टू बी आना है, एंड पहले ए टू बी आएगा एंड फिर बी टू सी जाएगा ना, तभी तो वो ए टू सी पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले ए टू बी एंड बी टू सी बाद में, मतलब ये वर्क एक वर्क हो गया ये, ठीक है, एंड ये दूसरा वर्क हो गया, है ना। तो ये वर्क कितने वेज से कंप्लीट हो रहा है ए टू बी जाने का, तीन तीन 3 तरीके से कंप्लीट हो रहा है, एंड एंड उसकी वजह से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। बी मल्टीप्लिकेशन टू सी जाने का कितने तरीके से कंप्लीट हो रहा है, चार। चार टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। सर, हाँ क्वेश्चन क्या, आपका आवाज बीच में आ रहा था सर, मेरे साइड में इशू था थोड़ा, तो वापिस बताओ ना ये। यहाँ पे हमें एक वर्क कंप्लीट करना है, कैसे, ए टू सी जाना है, ये एक स्टेशन है, सी एक स्टेशन है, बी एक स्टेशन है, तो हमें स्टेशन ए टू स्टेशन सी जाना है वाया बी। तो ए टू सी हम कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब वाया बी जाना है तो पहले ए टू बी जाना पड़ेगा हमें एंड फिर बी टू सी। तो ए टू बी आने के तरीके कितने हैं, तीन 3। तो ये एक वर्क कंप्लीट हो गया ए टू बी आने का, एंड अब ए टू सी पहुंचना है तो ये पहले वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा एंड फिर बाद में बी टू सी भी तो जाना पड़ेगा, तो बीच में एंड आएगा, तो बी टू सी जाने के 4 तरीके, एंड की वजह से मल्टीप्लीकेशन, उसके वजह से 12, ठीक है। समझ गया सर। सर इस सवाल में ए और बी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अगर ए और बीच में कनेक्शन ना होते हुए ए डायरेक्टली सी से कनेक्टेड होता तो हाँ बस वो नंबर वेज को हम ऐड कर देते ना। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, आगे वही सी के ऊपर आने वाला हूँ, धीरे धीरे बढ़ते आगे। ये हो गया, यस सर, हो गया। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ए है स्टेशन,
फिर यहाँ पे स्टेशन बी है, स्टेशन सी है एंड स्टेशन डी है। तो ए टू बी, अब ये देखो यहाँ पे एरो दिखाया गया है, मतलब वो सिर्फ ए टू बी जा सकता है, बी टू ए नहीं आ सकता है, ठीक है, वन वे है। तो ए टू बी जाएगा और ये यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है, ऐसे दो वेज नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बस लिख रहा हूँ दो तरीके से जा सकता है, ठीक है। वो ऐसे दो वाले रास्ते दिखा देता तो डायग्राम थोड़ी सी गंदी बन जाती, उसकी वजह से टू वेज एन ए टू बी जा सकता है। फिर बी टू सी आने के थ्री वेज, फिर सी टू डी आने के टू वेज, फिर उसके बाद बी टू डी आने के तीन वेज एंड ए टू डी जाने के दो वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू डी, रीच फ्रॉम ए टू डी। हाँ दो वेज हो सकते हैं ना हितेश, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए दो रास्ते नहीं हो सकते क्या? सर 20 वेज। हाँ सही है, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है अगर इंटरेस्ट लेने की बात की जाए तो। 20 है सर, सही है। अरे बैकवर्ड नहीं आ सकता है, अब किसी किसी जगह वन वे भी तो हो सकता है ना, ये अब थोड़ी ना तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसको रिलेट कर रहा है कि पीछे क्यों नहीं आ सकते है? पुलिस खड़े है बस वहां पे, उसके वजह से पीछे नहीं आ सकते। हाँ सर 20 वेज है। 20 वेज। तो यहाँ पे देखो ए टू डी कैसे पहुंच सकता है, वो वाया बी जा सकता है, मतलब एक तो पहले डायरेक्टली ए टू डी भी जा सकता है, देखो यहाँ पे दो वेज थे, फिर ए टू डी जाने के और तरीके देखो, वाया बी जा सकता है तो बी एंड फिर डी, फिर उसके बाद वाया बी एंड सी जा सकता है तो ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए टू डी कितने तरीके से, दो तरीके से, और ये बीच में मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि ए टू डी जाना है तो ये एक तरीका है, और वाया बी और वाया बी एंड सी, तो ये बीच में ये कौन सा रूल लग गया, और रूल, ठीक है, उसकी वजह से ये एडिशन आ गई। फिर उसके बाद अब ए टू बी, ये वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है, पहले हमें ए टू बी आना है एंड फिर बी टू डी जाना है, तो ए टू बी आने के तरीके दो एंड बी टू डी जाने के तरीके तीन, फिर यहाँ पे ए टू बी आने के तरीके दो, बी टू सी जाने के तरीके तीन, सी टू डी आने के तरीके दो, तो इन सब का जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाता है 20। हाँ बोलो समर्थ, क्या कह रहे थे सर? इसमें मतलब अभी ए टू बी और बी टू डी, तो ए टू बी एंड बी टू डी, मतलब इन दोनों के बीच में एंड है ना? हाँ एंड है ना, ए टू बी एंड बी टू डी, तो मल्टीप्लिकेशन किया ना, देखो ना यहाँ पे, बाद में लेकिन ई टू डी की अगर बात की जाए तो तीन पॉसिबल वेज है, या तो वो ए टू डी आए, या और वाया बी आए, और वाया बी और सी आए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं वाया बी, तो पहले ए टू बी आना है एंड बी टू डी आना है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसमें अगर बात की जाए तो एंड रूल लगेगा, ठीक है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो? हाँ परमिशन का मीनिंग क्या है, किसका परमिशन? परमुटेशन उसमें होता है अरेंजमेंट, परमुटेशन इज फॉर अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज फॉर सिलेक्शन, ठीक है। यस सर, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो और एक क्वेश्चन, चलो
मतलब डायग्राम से ही कर रहे हैं। वैसे तुम्हें एग्जाम में जो आएंगे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? मतलब इसी लैंग्वेज को डायग्राम में ऐसे लिखा होगा, ए टू बी आने के नंबर ऑफ वेज, टू बी टू सी जाने के थ्री, सी टू डी आने के दोज, एंड डायरेक्टली ए टू डी आने के दोज, एंड बी टू डी आने के तीन, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू डी, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे एक रूम है जिसमें ये दरवाजा है ना, चार ये पांच दरवाजे हैं ये रूम। अब यहां पे एक आदमी खड़ा है, अब उसको रूम के अंदर जाना है, ठीक है? तो अंदर जाने के लिए पांच वेज है, बाहर आने के लिए भी पांच वेज। तो क्वेश्चन लिखो तुम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज Find the number of ways by which person can enter the room. Person can enter the room and come out and comes out. ये है क्या? ये पहला है, ये पहला है। एंड दूसरा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच पर्सन कैन एंटर द रूम एंड एंड कम्स आउट such that he or she cannot use the same door to enter the room and to exit the room. He or she cannot use the same door, जो भी तुम्हें बनाना है उसको, he or she cannot use the same door to enter the room and to exit the room. ठीक है, सही आंसर आ चुके हैं दो तीन लोगों के। तो पहले वाले का आंसर बताओ, पहले का 25 आया है क्या बाकी होगा? सर क्योंकि अंदर जाने के कितने तरीके हैं? पांच, एंड उसको फिर बाहर भी आना है तभी वो वर्क कंप्लीट हो पाएगा। मतलब पहले अंदर जाना है एंड फिर बाहर आना है, तो एंड है तो बाहर आने के भी पांच तरीके हैं। तो इसकी वजह से पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 25। अब उसके बाद दूसरे में देखो, अंदर जाने के तरीके पांच, अब बाहर आने के तरीके कितने हैं? चार। मतलब मान लो वो इस डोर से गया होगा अंदर, तो अब इस डोर से वापस नहीं आ सकता है, उसके लिए बाकी बचे चार डोर्स। मतलब अंदर जाने के तो पांच तरीके, इन पांचों में से किसी एक से वो जा सकता है, लेकिन अब बाहर आने के लिए उसके पास सिर्फ चार रास्ते रहेंगे, क्योंकि जिस डोर से वो अंदर गया फिर उसी से वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे उसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे 20, ठीक है? टोटल 20 वेज से वो ये सब चीजें करेगा, पहले अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, सच दैट शी कैन नॉट यूज द सेम डोर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला है,
यहाँ पे मतलब एक घर है जिसमें पहले इंटर करने के लिए तीन रास्ते हैं, मतलब चार रास्ते कर लो, चार रास्ते हैं। फिर उसके बाद ये हम पहुंचे हॉल में, फिर आगे जाने के लिए मतलब घर के अंदर जाना, यहां तक पहुंचना है फाइनली हमें, तो तीन चार हर्डल पास करके जाना पड़ेगा आगे। तो ये पहला था जिसमें तीन रास्ते, फिर ये पहले में चार, फिर तीन, फिर दो रास्ते, यानी यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे उसकी कार है, एंड यहाँ पे की है। ठीक है, मतलब वो घर से निकलते वक्त की अंदर भूल गया, अब उसको फिर से अंदर जाके की बाहर लानी है। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं। चलो पहले डायग्राम तो बना लो, मतलब उसको बाहर भी आना है, बाहर तब क्या अंदर ही बैठा रहेगा क्या, की लेके या कार अंदर लेके जाए, कुछ बाहर आएगा ना, वो बाहर ही खड़ा है ना आदमी। सर पर सिर्फ की तक पहुंचने के वेज बोल देना, अरे उसको कार लेके कहीं जाना है, वो चाबी अंदर भूल गया है, उसको बाहर भी आना है। तो लिखो इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू ब्रिंग बैक द की टू ब्रिंग बैक द की such that he cannot use same door to enter the house and to exit the house. Find the number of ways to bring back the key from the house such that he cannot use the same door to enter the house and एग्जिट द हाउस। पहले तो बताओ ये जब वो पार करेगा तो कितने रास्ते होंगे? 12। अबे चार ना, चार। पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले ये वाला चार तरीके से पार करेगा, फिर ये वाला तीन। मतलब अंदर जाना है ना, ये पार करना, ये पार करना, फिर ये, फिर की तक पहुंचेगा, फिर ये दो रास्तों से, ये हो गया अंदर पहुंच गया। अब वापस भी तो आना है, तो ये अंदर जाने के तरीके हो गए, वापस आना है तो इनटू में क्या, इनटू ही करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो वो की लेके बाहर आ पाएगा। अंदर जाना है एंड बाहर आना है, तो ये तो अंदर जाने के तरीके। अब बाहर आने के देख लो, अब ये बताओ कितने तरीके से ये पार करेगा? एक। एक। ये कितने तरीके से पार होगा? दो। दो। एंड ये कितने तरीके से? तीन। तीन। तो देख लो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ये 26 144 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, क्लियर है सर? हाँ सर, समझ गया। सर वो बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों आया अंदर जाने और बाहर आने के बीच में? क्योंकि अंदर जाके बाहर भी तो आना है, एंड है ना बीच में, तुम खुद ही लंग पढ़ो उसको कैसे है, अंदर जाना है एंड बाहर आना है, तो एंड तभी तो वो की लेके बाहर आ पाएगा। सेकेंड की समझा नहीं, तो उसमें क्या है, He cannot use the same door to enter the room and to exit the room. मान लो इसकी पहले ये one कैसे आए बता देता हूँ। अंदर तो वो गया ही होगा, दोनों में से किसी एक रास्ते को यूज करके अंदर गया होगा, है ना, तभी तो ये यहाँ पे two आया है। अब मान लो वो इस रास्ते से अंदर गया है,
तो अब इस रास्ते से वो बाहर नहीं आ सकता है, तो बाहर आने के लिए उसके पास कितने रास्ते बचे, एक, तो ये उसका वन। अब इसको अगर पार करना है तो अंदर जाने के लिए उसके पास तीन रास्ते थे, तो उनमें से किसी एक से ही वो जाएगा, तो इनमें से मान लो इससे गया वो, अब बाहर आना है तो फिर वो इससे नहीं आ सकता है, फिर उसके लिए ये दोनों रास्ते है, तो इसकी वजह से ये टू। अब इसको पार करते वक्त जब वो अंदर गया उसके पास चार रास्ते थे, तो चारों में से कोई एक यूज करके वो अंदर गया होगा, ठीक है। अब जब बाहर आना तो उसके पास तीन ही है, तो इसकी वजह से। हाँ बहुत बड़ा घर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैं गोवा घुमा के लाते हैं, लिखो क्वेश्चन। लिखो, देयर आर फाइव बसेस फ्रॉम नासिक टू मुंबई, है ना, ये ट्रेन प्लेन भी है ये मत बोलना कुछ, है ना, वो बस से जाने वाला है आदमी। देयर आर फाइव बसेस फ्रॉम नासिक टू मुंबई, देयर आर फाइव बसेस फ्रॉम नासिक टू मुंबई एंड फोर बसेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड फोर बसेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा फोर बसेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा and find the number of ways and find the number of ways student can make round trip student can make round trip from Nasik to Goa via Mumbai such that he will not travel by same bus He will not travel by same bus. So round trip के आगे को थोड़ा सा बोलता हूँ. Round trip from Nasik to Goa such that he will not use same bus during the journey. 240. हाँ. 240. सही है. 240 बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले वो नासिक टू मुंबई आएगा कितने तरीके से, पांच बसें से, तो पांच तरीके से, फिर मुंबई टू गोवा जाएगा कितने तरीके से, चार बसें से, तो चार बसें से जाएगा, मतलब चारों में से किसी एक से, तो चार तरीके से, फिर रिटर्न ट्रिप भी तो है ना, तो रिटर्न ट्रिप भी, तो फिर गोवा टू मुंबई आएगा। अब कितने तरीके से आएगा वो गोवा टू मुंबई, तीन, क्योंकि वो जर्नी में सेम बस तो यूज नहीं करेगा, तो इसकी वजह से तीन तरीके से आएगा। एंड फिर मुंबई टू नासिक कितने तरीके से आएगा, चार तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 4 × 3 × 4, तो ये आ जाता है यहाँ पे 240, ठीक है। यस सर, यस सर। ज्योमेट्री का क्या, हाँ वो अलग ज्योमेट्री है हर्षवर्धन, वो अलग, अपनी जो अपन ने कोऑर्डिनेट अभी जो पढ़ने वाले इसके बाद वो नहीं है, उसमें सॉलिड ज्योमेट्री आती है, सिमिलर ट्रायंगल, फिर उससे रिलेटेड सिमिलैरिटी से रिलेटेड चीजें होती है वहां पे, ठीक।
जो 10th लेवल की होती है, मतलब क्वेश्चन तो हार्ड लेवल का हो सकता है, कंसेप्ट उसमें 10th लेवल के होते हैं, बाकी कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन को हार्ड बनाया जा सकता है, तो ऐसे होते हैं वो आई एन क्यू में, ठीक है, आरएमओ में क्वेश्चन, ठीक। चलो अभी प्राइस बांट देते हैं, तो नंबर ऑफ वेज बताओ तुम प्राइस बांटने के। There are 65 students of maths and 60 students of bio in class 11th and find the number of ways to distribute, find the number of ways to distribute three prizes first part में वो, या तो चलो एक ही लिख लो कोई नहीं, या लिखो पार्ट, लिखो थ्री प्राइजेस, लिखो थ्री प्राइजेस, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से, फिर उसके बाद थ्री इन मैथ्स सच दैट फर्स्ट प्राइज इज फिक्स्ड, एंड फिर उसके बाद वन इन मैथ्स एंड टू इन बायो। तो बताओ जल्दी से पहले का आंसर। सिक्स। अबे सिक्स कहाँ से, तीन प्राइजेस बांटने हैं, स्टूडेंट देखो कितने हमारे पास अवेलेबल अभी। डिवाइड करेंगे ना। अबे डिवाइड क्यों करेंगे? 60 से 3 को। स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 125। तो ये देखो तीन प्राइजेस की बांटने की बात हो रही है, तो पहले प्राइज को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? 125 में से किसी भी एक के पास जाएगा ना फर्स्ट प्राइज, तो उसको हम बांट सकते हैं 125 तरीके से। अब जिसके पास फर्स्ट गया सेकंड थोड़ी ना उसके पास जाएगा, तभी तो वहां पे मैंने नंबर्स लिखे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब एक बच्चे के पास फर्स्ट प्राइज चला गया है, तो फर्स्ट प्राइज जाने के तरीके कितने हैं? 125 में से किसी भी एक के पास जाएगा तो 125 तरीके है। फिर उसके बाद सेकेंड प्राइज 124 एंड थर्ड प्राइस 123। तो ये उसका आंसर है 1906500। हाँ जो भी है अभी ऐसे रहने दो, ठीक है, कैलकुलेट करते रहना बाद में। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसमें हमेशा डोर्स और ये थोड़ी आएंगे, बसेस और ये, ऐसे भी तो हो सकता है कि फर्स्ट प्राइस बच्चे कितने हैं वहां पे 125, तो फर्स्ट प्राइस कितने तरीके से बांटा जा सकता है? तो 125 तरीके से, क्योंकि वो 125 में से किसी भी एक के पास जा सकता है। फिर सेकंड का तुम लोग बताओ, सेकंड का क्या आएगा? सेकंड का 124 इनटू 123 आएगा। हाँ सर। नहीं सर। हाँ फिर सर सिर्फ मैथ्स बोला है ना सर उन्होंने। हाँ सिर्फ मैथ बोला है। 1 into 64 into 63। बहुत बढ़िया। हाँ मैथ्स बोला है सिर्फ। फिर
फिर उसके बाद वाला बताओ। सर 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 हाँ सर, सेकंड पार्ट में 64 प्लस 63 है, पर जो एक फिक्स्ड वो भी ऐड प्लस क्यू। सर मतलब सर वो पता है फिक्स्ड है, वो पहला प्राइस किसके पास जाने वाला है वो फिक्स्ड है। वो बच्चा यहाँ पे क्या था, वो बच्चा फिक्स नहीं था, वो 125 में से किसी के भी पास जा सकता, तो इसकी वजह से 125 वेज आ गए। लेकिन सेकेंड में क्या बोला गया है कि बच्चा फिक्स्ड है, वो जिसके पास फर्स्ट प्राइस जाएगा वो बच्चा फिक्स्ड है, मतलब वो ही हाँ बच्चा होगा, एक ही बच्चा होगा वो जिसके पास वो फर्स्ट प्राइस जाने वाला है, ठीक है। तो वो प्राइस गया, उसके बाद कितने बच्चे बचे? सर दो बच्चे बचे, 64। दो बच्चे क्यों बचे? दो प्राइजेस बचे, बच्चे 64 बचे, 64 है ना। अब सेकेंड फिक्स है ऐसा बोला नहीं गया है, तो सेकेंड तो 64 पॉसिबिलिटीज है सेकेंड प्राइस को बांटने के लिए, 64 तरीके। फिर अब थर्ड बांटने के लिए कितने तरीके है? 63 है ना। हाँ, तो ये आंसर है इसका। फर्स्ट प्राइस फिक्स था, थर्ड का सर, थर्ड सर थर्ड का 65 इनटू 16 इनटू 59। हाँ सही है। यहाँ पे मैथ्स में एक प्राइस बांटना है, तो 65 बच्चे हैं तो 65 तरीके से वो बांटा जा सकता है। एंड फिर उसके बाद बायो में दो बांटने हैं, तो बायो में 60 बच्चे, तो बायो में एक प्राइस जाएगा 60 तरीके से एंड दूसरा प्राइस जाएगा 59 तरीके से, ठीक है। क्लियर है क्या? बताओ ये वाला। यस सर। वो फिक्स पर्टिकुलर, इसका ध्यान देना यहाँ पे, वो फिक्स पर्टिकुलर जब भी आएगा ना, मतलब वो फिक्स रहता है कि उसी के पास जाने वाला है, पर्टिकुलर बच्चा, फिक्स बच्चा। यहाँ पे 125 क्यों आया? क्योंकि वो फर्स्ट प्राइस किसके पास जाएगा वो बच्चा फिक्स नहीं है, तो उसकी वजह से उसको 125 तरीके से बांटा जा सकता है। तो फर्स्ट प्राइस बढ़ गया तो एक बच्चे के पास वो चला गया होगा बग, उसको छोड़ के बाकी कितने बचे? बच्चे बचे 124, तो 124 में से किसी एक के पास जाएगा। अब दो बच्चे चले गए दो प्राइस लेके, अब बचे कितने? 123, तो थर्ड प्राइस 123 तरीके से जा सकता है, ठीक है। यस सर। चलो ये हो गया, प्राइस भी बांट दिए, आगे नंबर फॉर्म करते हैं। अब एक बॉक्स मेथड होती है जो डायरेक्टली और एंड रूल से रिलेटेड होती है, जैसे कि क्वेश्चन लिखो तुम, बॉक्स मेथड भी उसको तुम कह सकते हो। फाइन फाइन नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, फाइन नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में है रिपीटेशन इज अलाउड एंड सेकेंड में है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये देख लो बॉक्स मेथड क्यों कहते हैं। यहाँ पे चार बॉक्सेस या चार, ये चार डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो चार प्लेसेस हमारे पास चार ही डिजिट है, ठीक है। पहले पार्ट में है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये बताओ पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? चार तरीके से, क्योंकि इन्हीं चारों डिजिट का यूज करके बनाना है। तो पहली प्लेस को हम फील कर सकते हैं चार तरीके से,
दूसरी को चार चार क्योंकि पहले पार्ट का आंसर लिख रहा हूं मैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, इस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो इस प्लेस पे भी आ सकता है, तो इसको भी फील करने के तरीके है चार, इसको फील करने के तरीके चार, चार एंड इसको फील करने के तरीके चार। अब फोर डिजिट का नंबर कब कंप्लीट होगा, जब ये पहली प्लेस फील हो जाए एंड दूसरी भी हो जाए एंड तीसरी भी हो जाए एंड चौथी भी हो जाए, मतलब ये चारों प्लेसेस जब फील हो जाएंगे उसके बाद ही तो वो एक फोर डिजिट का नंबर बनेगा, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा 4 into 4 into 4 into 4, तो ये आ जाएगा 4 की पावर में 4। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड है तो इतने तरीके से वो फोर डिजिट का नंबर बनेगा, मतलब इतने नंबर्स बनेंगे फोर डिजिट के इन चारों का यूज करके। क्लियर है? यस सर। अब अगला, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब बताओ 4 into 2 into 3। हाँ सही है, क्योंकि जब सेकेंड की हम बात करेंगे रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है 24। तो चारों में से जैसे पहली प्लेस को फील करने की हम बात करते हैं तो हमारे पास चार डिजिट्स है, तो पहली प्लेस को हम फील करेंगे चार तरीके से। अब उन चारों डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ गया, अब हमारे पास बचे तीन डिजिट्स, है ना, मतलब वो 1 2 3 4 है ना, उसमें से इन चारों में से कोई एक यहाँ पे आके बैठ गया होगा, क्योंकि इसको हमने चार तरीके इसको फील करने के, तो एक यहाँ पे बैठ गया, अब बचे तीन डिजिट्स, तो इसको फील करने के तरीके हमारे पास हो गए तीन। रिपीटेशन अलाउड नहीं, अब जो डिजिट यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। अब दो डिजिट इसमें से चले गए, बचे दो डिजिट्स, तो इसको फील करने के तरीके हो जाएंगे दो एंड इसको फील करने के तरीके एक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 into 3 into 2 into 1, तो इस तरीके से ये 24। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो। पासवर्ड भूल गए तो काम आएगा, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। हो गया सर। हाँ सर, इसका पहले वाला आप रिपीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें क्या है कि हमारे पास चार डिजिट्स हैं, जैसे अब वहां पे तीन प्राइजेस थे, बच्चे 125 थे, यहाँ पे अब हमारे पास डिजिट्स चार है, प्लेसेस चार है, बस उसमें वो चेंज होगा जो लैंग्वेज होती है, जैसे वहां पे बच्चे प्राइजेस डोर्स टू मतलब वो आदमी, यहाँ पे अब क्या है डिजिट्स एंड प्लेसेस, इसकी बात होगी। तो हमें चार डिजिट का नंबर बनाना है, पहले पार्ट में था कि रिपीटेशन अलाउड है और इन्हीं चारों का यूज करके बनाना है। हमारे पास टोटल डिजिट 10 होते हैं, 10 के 10 ना भी कंसिडर नहीं करना, इन्हीं चारों को कंसिडर करना, इन्हीं से वो नंबर बनाना है। तो पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं, तो चार तरीके से, क्योंकि इन चारों में से कोई भी एक जाके यहाँ पे बैठ सकता है, तो चार तरीके से हम इस पहली प्लेस को फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड बोला गया है ना, तो रिपीट हो सकता है डिजिट, तो जो डिजिट यहाँ पे आया वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो अगेन इस सेकेंड प्लेस को फील करने के तरीके हमारे पास चार हो जाएंगे, थर्ड प्लेस को फील करने के तरीके चार एंड फोर्थ को फील करने का चार, तो इन सब का क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि चार डिजिट का नंबर बनाना है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी एंड ये भी होना चाहिए, तो 4 into 4 into 4, 4 की पावर 4। ठीक है? Yes. एंड मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी टेस्ट सभी को पता होगी, 2 की क्या होती है, 3 की, 4 की, 5, 6, 8, है ना। चलो अब उसी का क्वेश्चन करते हैं, तो लिखो तुम इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 ब्रैकेट में लिख लेना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड
ब्रैकेट में लिख लेना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ब्रैकेट क्लोज, सच दैट फर्स्ट पार्ट में नंबर इज इवन, सेकेंड में नंबर इज ऑड, थर्ड में नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री. यहाँ पे फाइव एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 ठीक है. इसमें है नंबर इज डिविजिबल बाय फोर, फिर उसके बाद नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, एंड आगे वाले में है नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स. तो इतने पार्ट्स है, नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6. तो पहला वाला बताओ तो जल्दी से. 60 है क्या? चलो देखो 60? पहला ये वाला क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं ये पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद बाकी के तुम कर सकते हो. कैसे डील करेंगे? तो जब भी इवन नंबर की बात होगी तो क्या होता है उसमें? आखिरी नंबर कैसा होगा? इवन होगा. मतलब यूनिट प्लेस पे फोर डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो चार डिजिट का नंबर बनाना है तो चार प्लेसेस, ठीक है, किनका यूज करके? 1 2 3 4 5 ठीक है. तो ये हो गया. अब यहाँ पे देखो, पहले हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे. यहाँ पे इवन नंबर बनाना है तो इसको बताओ हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? दो तरीके से. या तो वहां पे टू आएगा या फोर आएगा. तो दो तरीके से फील कर सकते हैं, मतलब ये टू और फोर, ये दो तरीके. या तो टू आएगा या फोर आएगा, तो दो तरीके से. तो इन दोनों में से एक डिजिट तो चला गया, वो यहाँ पे आके बैठ गया. टोटल कितने डिजिट बचे? चार. तो इस पहली प्लेस को कितने तरीके से फील कर सकते हैं? चार. अब इसको कितने तरीके से? तीन. ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है. एंड इसको दो तरीके से, दो है ना? हाँ सर. हाँ, तो ये आएगा 4 × 3 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 48. क्लियर है? तो 48 इवन हो गए सर. सेकंड का 18 × 4. सेकंड का बताओ, या तो सेकंड भी देख लो. यहाँ पे दो तरीके से बताऊंगा सेकंड. अब टोटल कितने नंबर्स बनते हैं माइनस अगर हमने इवन कर दिया तो क्या बचेगा? ऑड नंबर्स बचेंगे ना, और इवन हम निकाल चुके हैं. तो पहले हम टोटल की बात कर लेते कि टोटल कितने बनते हैं. ये मेथड वन से कर रहे हैं हम. टोटल देखो कितने बनते हैं. इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम? पहली प्लेस को फाइव. इसको चार. तीन. एंड दो तरीके से, ठीक है. तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 × 4 × 3 × 2 माइनस इवन कितना है? 48. तो 120 − 48, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 72, है ना? 70. तो ये यहाँ पे 72 हो जाएगा. तो 72 नंबर्स कैसे है? ऑड है. ऑड नंबर्स 72. या तो करने का दूसरा तरीका इस तरीके से करते हैं. ऑड नंबर है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? ऑड डिजिट. ऑड डिजिट तो 1 2 3 4 5 है हमारे पास.
तो बताओ हमारे पास तीन ऑड डिजिट्स है, तो इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? तीन तरीके से, मतलब 1, 3 और 4, इन तीनों में से किसी एक से फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट आके फिक्स हो गया। अगर डिजिट्स कितने बचे? 4। तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4। फिर 3, फिर 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 3। तो ये देख लो यहाँ पे कितना है, ये 72। ठीक है, 72। लिखो सर बाकी, हाँ बाकी के क्वेश्चंस देखो। हाँ एक मिनट, पहले लिख देने दो बाकी, उसके बाद है डिविजिबल बाय 3 है। तो उसका 24 है, फोर्थ का भी 24 है। अरे नहीं रे भैया, इतने आसानी से आ जाता तो क्यों देता मैं वो। डिविजिबल बाय 3 मतलब नंबर कैसा? अच्छा, डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सर सबका एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हो गया, 3 डिजिट वाला करो ना। सर इसमें ऐसा ये लेंगे ना सर, जो दो डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा उसको दो, थोड़ी 4 डिजिट का नंबर बनाना है। चलो ये हो गया दोनों, नहीं देख लो यहाँ पे, ये दोनों क्लियर है ना, ऑड एंड इवन। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या था? डिविजिबल बाय 3। तो ये देख लो पहले इन पांचों का सम कितना आता है बताओ? 15। तो ये डिविजिबल बाय 3 तो है, लेकिन ये तो 5 डिजिट्स का सम है ना, हमें कितने डिजिट्स चाहिए? 4 डिजिट का सम आना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो तुम बताओ इसमें से हमें कौन सा डिजिट हटाना पड़ेगा ताकि उसको हटाने के बाद बाकी बचे हुए डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल रहेगा? 3 को हटा देंगे, है ना, 3 को हटा देंगे। मतलब ऐसे केसेस बनाने, ध्यान रखना केसेस कैसे बनाने 3 से डिविजिबल वाले के, जितने डिजिट्स गिवन है उनका सम वहां पे कर लो। तो जैसे यहाँ पे 5 डिजिट्स गिवन थे उनका सम कर लिया 15, लेकिन हमें कितने डिजिट्स की जरूरत है? 4 डिजिट्स की। एंड वो किस तरीके से होने चाहिए? उन चारों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें से तो हमें एक डिजिट हटाना है, और वो इस तरीके से हटाया जाए कि ताकि बचे हुए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल आ जाए। तो यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा 3। तो किसका यूज करके नंबर बनेगा वो? 1, 2, 4, 5। ठीक है, और कोई केस, और कोई नंबर हटा के 3 से डिविजिबल बनाया जा सकता है क्या? नो सर। नहीं, बस एक 3 ही हटेगा और उसके बाद वो 3 से डिविजिबल बन जाएगा। तो इन चारों का यूज करके अब नंबर बनाना है। तो ये देखो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4, 3, 2, 1। तो यहां से आ गया 24। केसेस कैसे बनाने क्लियर है ना 3 से डिविजिबल वाले के?
पहले सबका सम कर लो, वहां से आइडिया लग जाती। कभी कभी यहाँ पे 6 डिजिट्स गिवन रहेंगे तो हमें 2 हटाने पड़ेंगे, तो 2 किस तरीके से हटाए जाए ताकि उन दोनों का, मतलब उन दोनों को हटाने के बाद बाकी बचे हुए का सम 3 से डिविजिबल आना चाहिए, इस तरीके से। सर मेरा तो 20 और दूसरा मेथड था सर ना, वो पता नहीं क्या किया तुमने डायरेक्टली, मतलब पहले 1 2 4 5 लिया होगा ऐसे। नहीं सर फिर सर इन पांचों में एक ही नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको लास्ट नंबर लिखा, मतलब पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। थोड़ी कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट लेके आ गया 3 की है, गलत है वो, आगे बोलना भी मत कुछ। नहीं सर, पर पांचों नंबर का एडिशन ये आता है ना सर 15, इसीलिए। तो तूने क्या बोला अभी लास्ट प्लेस पे 3 को प्लेस कर दिया जाए, यहाँ पे तो 3 को हटाया है हमने, 3 तो चाहिए ही नहीं हमें यहाँ इसमें, ये बचे हुए से बचे हुए चारों से। हाँ सर सारे क्वेश्चंस दिखाओ ना एक बार सर, इसके बाद का भी 24 है क्या डिविजिबल बाय 4? 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? 2 से लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन क्यों कर रहा है समर, लाइन से दिखाया ना 3 4 5 6 लिखो उसको। अरे तो क्या एक बार देख ले तो नहीं लिख सकते क्या, ऐसा कुछ अलग बताया क्या? मैंने यहाँ पे 3 4 5 कर लेना है बस, ये नंबर चेंज कर। ये क्लियर है क्या, बताओ पहले थर्ड। यस सर। हाँ फोर्थ में देखो, पहले हम लास्ट के 2 डिजिट्स के एक बार बताने दो इसको, उसके बाद तुम्हारा सुन लूंगा मैं। तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारे पास ये डिजिट्स है तो केसेस कैसे बनाए जाए वो देखो। तो सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे हम, तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 2 बनता है। क्या 1 2 4 से डिविजिबल होता है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे 1 2 एक केस ये बन गई, लास्ट के 2 डिजिट्स की पहले बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1 3 1 4 1 5 कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे 2 1 2 4 2 3 2 4 तो 2 4 अगला आ जाएगा। केसेस ध्यान से सुनना कैसे बना रहा हूं मैं, पहले 1 2 1 3 1 4 1 5 उसमें से 1 2 तो 4 से डिविजिबल आ गया, एंड 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मेरे ख्याल से सभी को पता होगी तो ये है। एंड उसके बाद अब 2 1 2 3 2 4 2 4 4 से डिविजिबल है, आगे 2 5 नहीं है। फिर उसके बाद 3 1 3 2 तो 3 2 आएगा एक ही है। फिर उसके बाद 3 4 नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 5 कुछ भी नहीं, एंड लास्ट में क्या जाता है 5 2 5 2 5 2 5 2 वाली एक केस बनती है। ठीक है, तो इतने 4 पॉसिबिलिटीज है। 4 2 आ सकता है ना? अरे 4 2 कैसे, 4 से डिविजिबल करके देखो तुम उसको, 4 2 को होता है क्या डिविजिबल हो 4 से? तो ये देखो एक केस का हम आंसर निकाल लेंगे और उसका इसको उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसमें भी वही आंसर आने वाला है, उसमें भी एंड उसमें भी। तो ये देख लो यहाँ पे 1 2 अगर यहाँ पे दे दिया तो बाकी कितने डिजिट्स बचे? 3 डिजिट। तो इसको फिल करने के तरीके 3 एंड इसको फिल करने के तरीके 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 6, 3 into 2। इस केस का आंसर भी कितना आ जाएगा 6, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 6, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 6, मतलब 4 से डिविजिबल नंबर इस तरीके से बन सकता है, या तो इस तरीके से भी बन सकता है, या इस तरीके से, या इस तरीके से, मतलब और आ रहा है इन सब में। तो इन सब की क्या होगी एडिशन, 6 + 6 + 6 + 6 तो यहाँ से 24। ठीक है सर। हाँ सर, ये भी करेक्ट आया था सर वो मेथड से? तो कैसे किया तूने सर? देखो सर, अभी इसमें अभी एक ही नंबर है वो जो 4 से डिविजिबल है, तो उधर लास्ट 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 लाइन में ना 1 लिख दिया, फिर फर्स्ट वाले लाइन पर लिख दिया 4, क्योंकि फिर 4 ही फिल कर सकते हैं, फिर 3 फिर 2 फिर दोनों तीनों चार को। अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, वो गलती से आ गया आंसर, वो मत सीखना। ठीक है यहाँ पे, अरे तू क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तूने क्या किया, लास्ट प्लेस पे 4 को फिक्स कर दिया,
तो लास्ट फोर प्लेस पे फोर को फिक्स करने से क्या वो नंबर फोर से डिविजिबल बन जाएगा क्या? नहीं ना। तूने किसका आंसर निकाला? जब नंबर्स नंबर क्या ऐसे नंबर्स जो फोर से एंड हो रहे होंगे, जिनके यूनिट प्लेस पे फोर आ रहा होगा, ऐसे नंबर्स तुमने निकाले। तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। इसमें तुमने कौन से नंबर निकाले थे फिर जो नंबर्स थ्री से एंड हो रहे? गलत है ना, वो अलग अलग चीज है। भले ही आंसर मैच होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो तुमने निकाला वो अलग चीज का आंसर है। यहाँ पे ये थ्री से डिविजिबल वाले का आंसर है। ठीक है, समझ गया सर। सर हाँ, डे का भी 24 है। हाँ, उसमें तो 24 ही आएगा, क्योंकि लास्ट प्लेस पे 5 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 5 आए या 0 आए। हाँ बोलो प्रीति। ये टू और वन ऐसे अलग केस नहीं ले सकते? मतलब वन और टू का लिया तो टू और वन वाला नहीं? क्यों टू और वन वाला? लास्ट दो डिजिट से जो नंबर बनता है वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो टू वन जो होता है वो फोर से डिविजिबल नहीं है। उसका एडिशन प्लस वन होता है ना फोर के डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो कहां से तुम डिविजिबिलिटी टेस्ट लेके आ रहे हो? गलत है ना वो। पहले तुम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ो, पांच का क्या होता है, छह का क्या होता है, सात का कोई पूछता नहीं, आठ का क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाला देख लो, पांच से डिविजिबल यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? मतलब जीरो या फाइव आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो जीरो अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास तो बस इसमें से क्या अवेलेबल है, पांच। तो यहाँ पे आके पांच फिक्स हो जाएगा, तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम? एक एक यहाँ पे जाके कौन फिक्स हो गया? पांच। इसको ब्रैकेट में लिख भी लेता हूँ, ये पांच यहाँ पे आके फिक्स हो गया। ठीक है, अब बाकी बचे चार डिजिट्स, तो इसको फील करने के तरीके चार तीन दो, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ फेज आ गए 24। ठीक है सर, अगर इंक्लूडेड होता तो फिर लास्ट लाइन पर 2 लिखते, फिर आगे 5 4 इंटू 3 वो रहता, तब आगे आएगा, वो भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। रुको तो सही, अभी तो धीरे धीरे बढ़ो आगे। ठीक है, उसकी भी हम बात करने वाले जीरो की। लास्ट का 12 है, एक मिनट, लास्ट में क्या था? डिविजिबल बाय 6 ना, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड इससे भी डिविजिबल होना चाहिए। हाँ तो सही है, 12 ही आता है उसका। सर 6 का टेस्ट क्या है डिविजिबिलिटी? 3 एंड 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लो, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए पहले उसको हम 3 से डिविजिबल बना लेंगे। ध्यान रखना, पहले 3 से डिविजिबल बना लेंगे। तो 3 से डिविजिबल कैसे बनाया जाएगा? इन सबका सम 15, ये तो 5 डिजिट का सम है, हमें तो 4 ही डिजिट चाहिए। तो जो नंबर बनेगा वो कौन से डिजिट का यूज करके बनेगा? 1, 2, 4, 5। तो कोई भी नंबर बनने तो वो 3 से डिविजिबल आएगा, अगर इन चारों का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, 3 से डिविजिबल हमने बना दिया, अब 2 से डिविजिबल भी बनाना है, क्योंकि 6 से डिविजिबल है, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इन चारों का हमने सिलेक्शन करके, इन चारों का यूज कर अगर कर रहे हैं, तो 3 से डिविजिबल तो वो हो गया। अब उसके बाद 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, इवन डिजिट। तो इसको फिल करने के तरीके दो, टू और फोर, फिर उसके बाद एक डिजिट चला गया, इनमें से चला गया है ना, अब इसकी बात खत्म हो गई। 5 नहीं, ये नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो इन चारों का यूज करके बना रहे हैं हम। तो लास्ट प्लेस को हम दो तरीके से फील कर सकते हैं, इसको बताओ। तीन इंटू टू, एक, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 12। सर 3 के बाद आपने जो किया ना सर, वो बताओ ना, 1, 2, 3, 4।
लेने के 1 2 4 5 लेने के बाद क्या किया आपने? 1 2 4 5 लेने के बाद ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब उसको हमें 2 से डिविजिबल भी बनाना है, तभी तो वो 6 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, तभी तो वो 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल होगा। तो इवन डिजिट कौन सा हमारे पास, 2 एंड 4, तो उसको दो तरीके से फील कर सकते हैं। अब इन दोनों में से एक डिजिट यहाँ पे चला गया, बाकी बचे 3 डिजिट्स, तो इसको फील हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो और एक डिजिट चला गया, बचे 2 डिजिट, तो इसको 2 तरीके से, अब एक ही बचा तो इसको 1 तरीके से, तो इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, हम चलो फिर आज के लिए इतना ही है, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ बोलो ना। आज एक लड़के का बर्थडे सर, उसके लिए बर्थडे। किसका? आज एक लड़के का बर्थडे। किसका है? पीयूष शिंदे का सर। पीयूष शिंदे का। पीयूष शिंदे का क्या? अच्छा, अरे हैप्पी बर्थडे पीयूष। चलो कोई नहीं, वहां पे आके मनाएंगे। हाँ